चंद्रपुर शहर में प्रदूषण निर्माण कर नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए चंद्रपुर महा औष्णिक विद्युत केंद्र को हरित लवादा द्वारा 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के बाद CTPS कॉलोनी में 40 साल पुराने एक पेड़ को छीलकर जलाने का मामला सामने आया है। आज फिर और एक पुराने पेड़ को छीलकर उसे नष्ट करने का मामला सामने आया है। कॉलोनी के कर्मचारी केवल अपने वाहनों को रखने की शेड के लिए पेड़ को काट रहे हैं। इसकी शिकायत संजीवनी पर्यावरण और सामाजिक संस्था के अध्यक्ष राजेश बेले ने वन विभाग और CTPS प्रशासन को की है, जिसके बाद वन विभाग दुर्गापुर क्षेत्र के सहायक MP तावड़े, वन रेंजर DB दहेगांवकर, विज केंद्र के सुरक्षा अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा किया। 31 वर्षीय जामभूल के पेड़ को 1 से 2 इंच तक छील दिया गया था। पेड़ की परिधि 162 सेंटीमीटर और ऊंचाई 45 फीट है। संजीवनी पर्यावरण और सामाजिक संस्था के अध्यक्ष राजेश बेले ने चेतावनी दी है कि वन विभाग और CTPS प्रशासन चौपहिया वाहनों के लिए शेड बनाने के लिए पेड़ काटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन अंतर्गत कर्मचारी वसाहत वृक्षाची वय मर्यादा 50 ते 45 वर्ष, उंची त्याचे 50 फुटाच्या जवळपास, हे वृक्ष शिलून त्याला निस्तनाभूत आणि त्याला तोडण्याचा प्रयत्न करणारे वसाहतले कर्मचारी यांच्यावरती फौजदारी गुन्हा दाखल करून योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी आम्ही वन विभाग आणि मुख्य अभियंता सपाटे साहेब यांना केलेली आहे। आणि इथे प्रत्येक वसाहतली कर्मचारी इथल्या प्रिमायसेसवरती वृक्ष तोडून अतिक्रमण करण्याचे प्रयत्न करून राहिलेलं अतिक्रमण, हे अतिक्रमण तत्काळ हटवण्याची मागणी आम्ही चंद्रपूर सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन यांना करतो। आणि वसाहतातल्या किती वृक्ष अशा प्रकारे तोडण्यात आले याच्यावरती योग्य ती चौकशी करून त्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावी, अन्यथा चंद्रपूर संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्था हमेशा याच्या विरोधात तक्रार करत राहणार।